हमारे देश का शेर काफी बुलंदी से लड़ा और अंत में आपने देखा कि सिल्वर उसके हाथ लगा। और आपने देखा होगा कि सेमीफाइनल में इन्हें जो इनके प्रतिद्वंदी थे, देखिए इस पिक्चर को, नोरी इस्लाम सानायो ने इन्हें काटा भी था, हाथ में काट भी लिया था, फिर भी इन्होंने देखिए आप लोग की हिम्मत नहीं हारी और लड़ते रहे, शेर की तरह लड़ते रहे। और आप देखेंगे लास्ट में इनकी फाइनल में इनका इनकी हार हो जाती है और इन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ता है, सिल्वर मेडल से। अगर आप देखिए फाइनल में भी इनकी अगर जीत हो जाती तो कम से कम हमारे देश में अभी एक गोल्ड मेडल आ चुका होता। लेकिन आप देखिए कि कम से कम किस हिसाब से लड़े। तो चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। इनकी एक तरह से आप लोग इसे बायोग्राफी भी कह सकते हैं, या इनकी जीवनी भी कह सकते हैं, या इनका जीवन परिचय भी आप लोग कह सकते हैं। और आप देखेंगे इनके बारे में मैं पढ़ रहा था अभी, तो इनका जो जीवन है काफी संघर्षपूर्ण रहा है। ये बहुत ही एक तरह से मध्य स्तरीय, मत करिए, निम्न स्तरीय परिवार से आते हैं। इनके पिताजी आप देखेंगे खेती किसानी करते हैं, किसान हैं। और कहते हैं कि 36 साल स्टेडियम दिल्ली में जब ये ट्रेनिंग करते थे तो इनके पिताजी घर से इनके लिए जो भी इनके लिए एक पहलवान की डाइट होती है वो देने के लिए दिल्ली तक आते थे, इतना लंबा सफर करके। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप सभी को मालूम है कि टोक्यो जापान में ये आपके ओलंपिक खेले जा रहे हैं। देख लीजिएगा एक बार जापान को, यह है हमारा जापान, टोक्यो जापान। यहां से आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत। और इनके संबंध की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हरियाणा से आते हैं, जहां से आप देखते हैं ना कि फोगाट बहने, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, ये दिग्गज रेसलर हैं। इनका संबंध भी आप देखते हैं कि हरियाणा से है और इनका संबंध भी हरियाणा से ही है। तो देखिए दिल्ली से लगा हुआ राज्य हरियाणा। तो देख लीजिए इनकी पिक्चर है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। और आप देखेंगे पिछला पिछले ओलंपिक खेलों से जो आपके 2016 में हुए थे उससे हमारा अच्छा, काफी अच्छा प्रदर्शन इस बार रह रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, देखने को मिलेगा। तो ये इनकी पिक्चर है, आप लोगों को दिखाई भी दे रही होगी। और ये पिक्चर वो है जिसमें आप देखे होंगे कि इनका जो सामने प्रतिद्वंदी था उसने इन्हें दांतों से हाथ में काटा भी था, काट लिया था, फिर भी ये लड़ते रहे थे, ठीक है, अपनी रेसलिंग करते रहे थे। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि इनका पूरा नाम है रवि कुमार दहिया। ऐसे वैसे इन्हें निकनेम इन्हें रवि कुमार के नाम से जानते हैं, रवि कुमार के नाम से जानते हैं। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था और सोनीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। तो हरियाणा के हैं। और आप देखते हैं कि अधिकतर रेसलर यानी कि आपके पहलवान हरियाणा से ही निकलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? फोगाट बहनों के बारे में आप लोग सुने होंगे। इनके पिता की बात करें तो राकेश दहिया इनके पिता हैं। और पेशा यानी कि व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये पहलवान हैं और रेसलर हैं, पहलवान भी हैं और रेसलर भी हैं, यानी कि वही है। अगर हम लोग इनके गुरु यानी कि कोच की बात करें तो सतपाल सिंह और वीरेंद्र कुमार इनके कोच का नाम है। और आपको अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि 36 साल स्टेडियम जो आप लोग देखते हैं ना, कहाँ है, दिल्ली में, यहाँ इन्होंने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली हुई है। और इनके पसंदीदा अगर हम लोग रेसलर की बात करें तो सुशील कुमार हैं जो आप देखते हैं कि हत्या के आरोपी हैं और अभी जेल में बंद है। और आप समझिए कि अगर एक व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसे आप लोग देखते हैं कि पूरे भारत में लाखों लोग अपना एक तरह से पसंद करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक थोड़ा मतलब अजीब लगता है। तो सुशील कुमार की ये हालत हो चुकी है अभी। अगर हम लोग रवि कुमार दहिया की उपलब्धियों की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2015 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था।
रवि कुमार दहिया ने सबसे पहले 2015 में जो आपके जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुए थे इसमें सिल्वर अपने नाम, सिल्वर मेडल अपने नाम किया हुआ था। पर आप सभी को मालूम है कि 2017 में आपके जो सीनियर नेशनल गेम्स हुए थे इसमें वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। फिर आपने देखा होगा कि विश्व चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया ने कांस्य पदक भी अपने नाम किया हुआ था। फिर आप देखेंगे कि जो साल 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए थे इसमें रवि दहिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। क्या? सिल्वर मेडल। उसके बाद आपने देखा होगा कि 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए थे इसमें 57 किलोग्राम, अभी भी आप देखेंगे 57 किलोग्राम में ही इन्होंने भाग लिया है, इसमें कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया था। ये 2019 की बात है। फिर आप देखेंगे एशियाई चैंपियनशिप 2020 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जो नई दिल्ली में हुए थे। और इन्होंने 2021 में भी जो एशियाई चैंपियनशिप थे इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और 2021 में जो अल्माटी में हुए थे। और आप लोगों को मालूम होगा इसीलिए इनसे उम्मीद थी कि ये गोल्ड जरूर जीतेंगे, लेकिन किसी भी कारण से अब बढ़िया प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। और साल 2021 में आप सभी जानते हैं कि जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए हैं इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, रजत पदक अपने नाम किया हुआ है। ठीक है। और आपको मालूम है कि आज आपके प्रधानमंत्री साहब भी इन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 2019 में 5 अगस्त बहुत खास था। किस लिए? 370 आपकी जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था ना एक तरह से, वो जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। पर आपने देखा है कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल हुए थे। और आज आप देख रहे हैं कि पदक हाथ लग रहे हैं, तो इसलिए भी आपने देखा है कि सुबह से प्रधानमंत्री साहब इन सब की दुहाई भी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछले 15 अगस्त को, 5 अगस्त को क्या हुआ था, उसके पिछले 5 अगस्त को क्या हुआ था। ठीक है। तो खैर अच्छी बात है, खुशी का माहौल है। इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि रवि के पिता अपने बेटे को डेली डाइट को पूरा करने के लिए फल और दूध और दही घी देने के लिए उनके ग्राम नहरी से, यानी कि अपने ग्रामीण क्षेत्र जहां के निवासी हैं वहां से उत्तरी दिल्ली तक रोजाना जाते थे। तो यहां से आप लोगों को मालूम चलेगा कि संघर्ष कितना रहा है। आप सोचिए, अगर अगर इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती तो आप समझ सकते थे कि इनके पिता को वहां से भागना ही नहीं पड़ता। और आप देखेंगे सुशील कुमार के बाद रवि दहिया ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय पहलवान बन चुके हैं। इससे पहले आप देखेंगे सुशील कुमार फाइनल तक खेले थे, और इसके बाद आपकी रवि दहिया दूसरे नंबर पर हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत में 135-40 करोड़ की बात करते हैं अब तो हमारे प्रधानमंत्री साहब, उसमें से आप सोचिए इनका दूसरा नंबर है कि दूसरे पहलवान हैं जिन्होंने फाइनल तक ये ओलंपिक में खेले हैं। ये अलग बात है कि फाइनल में इनकी हार हो चुकी है और इन्हें सिल्वर से संतोष करना पड़ा। ठीक है। तो इनके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा, इस तरह के खिलाड़ी अगर कभी भी याद देखते हैं सिल्वर लाते हैं, कोई मेडल लाते हैं, तो इनसे भी आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और वैसे भी आपके देश के खिलाड़ी हैं तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए अपने देश के खिलाड़ियों के बारे में। चलिए देखते रहिए,